हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप वी मीडिया पर आर्टिकल कैसे लिख सकते हो और उस आर्टिकल में इमेज कैसे ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बीरेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो बीएस टेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था फ्रेंड्स, उस वीडियो में आप लोगों का काफ़ी सारा प्यार देखने को मिला और उस वीडियो को मैं यहाँ पर देखिएगा, आपको बगल के स्क्रीन में दिख रहा होगा फ्रेंड्स। और इस वीडियो में मैंने ये बताया था फ्रेंड्स कि आप रोजधन वी मीडिया सोशल राइटिंग कम्युनिटी को कैसे ज्वाइन कर सकते हो फ्रेंड्स। उसको ज्वाइन करने का पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ज्वाइन करके कैसे पैसे कमा सकते हो फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद तो इस वीडियो पे आप लोगों का काफ़ी सारा प्यार मिला, तो मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को लाइक किया और काफ़ी सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी यहाँ पर आप लोगों ने किया है। तो इस कमेंट में मुझे कुछ कमेंट्स कॉमन लगे जो कि आप लोगों के द्वारा पूछा गया था। एक भाई है मेरे जीपी सिंह जी, उन्होंने पूछा है कि सर रोजधन पर राइटिंग कैसे करें। तो दोस्त, मैं आपका कमेंट पिक कर लिया हूँ और मैं आगे इसमें इसी वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे राइटिंग करते हैं फ्रेंड्स। और एक और भाई है मेरे जिन्होंने यहाँ पर कमेंट किया है, जिनका नाम है रघुनंदन कृष्णमूर्ति। इन्होंने कमेंट किया है कि हाउ टू अटैच इमेज टू टेक्स्ट आर्टिकल्स। तो दोस्त, मैं यहाँ पे आज बताऊँगा कि आप टेक्स्ट आर्टिकल में कैसे इमेज ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ फ्रेंड्स कि अगर आप रोजधन यूज़ करते हो और अगर उस पर आप राइटिंग करना चाहते हो फ्रेंड्स, तो आप रोजधन पे राइटिंग नहीं कर सकते हो। रोजधन से आप वी मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो, राइटिंग कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप राइटिंग कर नहीं सकते। तो आप वी मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करोगे फ्रेंड्स, तो आपके लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन रोजधन की तरफ से बनाया गया है फ्रेंड्स, उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सा एप्लीकेशन है। तो आपको सिंपली जाना है आपको अपने प्ले स्टोर में और वहाँ पर ऊपर में सर्च कर देना है रोजबज। रोजबज जो एप्लीकेशन है वो रोजधन का ही है, लेकिन ये राइटर्स के लिए है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वहाँ पर आप सर्च करोगे तो कुछ इस तरह का आपको आइकॉन दिखाई देगा, आपको दिख रहा होगा बगल के स्क्रीन में। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है फ्रेंड्स। तो मैंने डाउनलोड कर लिया है, इसलिए ओपन यहाँ पे शो हो रहा है। डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, वहाँ पे रजिस्टर कर लेना है खुद को, और अगर आप रजिस्टर हो पहले से तो आपको वहाँ पे लॉगिन कर लेना है फ्रेंड्स। लॉगिन करने के बाद जो अगला आपका इंटरफेस मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स दिखाए जाएंगे रोजधन रोज मीडिया की तरफ से फ्रेंड्स। तो वहाँ पर जो ट्यूटोरियल्स हैं उसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। वो जो ट्यूटोरियल्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स हैं, कुछ टेक्स्ट में भी लिखे हुए हैं और कुछ वीडियोस भी यहाँ पे नीचे देखिएगा, वीडियोस भी दिख रहे होंगे। तो उसको आप बढ़िया से रीड कर लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ पर सारा कुछ बताया गया है कि आप यहाँ पर कैसे राइटिंग कर सकते हो, पैसे कैसे कमा सकते हो, सब कुछ यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है फ्रेंड्स। उसके बाद नीचे में देखिएगा कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे फ्रेंड्स, तो आप चले आओगे वी मीडिया का राइटिंग प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पर आप चले आओगे फ्रेंड्स। तो ये वी मीडिया का इस इंटरफेस में आपको लेके चलाएगा रोजबज एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना है, मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कि यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। आपको करना क्या है, नीचे में देखिएगा फुटर बार में पांच ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, उसमें से मी पे आपको टैप करना है। मी पे जब टैप करोगे तो आपका प्रोफाइल ओपन होगा, यहाँ पर आपको चैनल का नाम दिखेगा, उसके बाद नीचे में प्राइमरी लिखा हुआ होगा। मेरा एक फॉलोवर है अभी, तो मेरा एक ही फॉलोवर शो हो रहा है, मैंने इसके पहले मैंने नहीं इस पर कुछ लिखा था। उसके बाद आपने अभी तक रेवेन्यू कितना अर्न किया है वो यहाँ पर बगल में दिख रहा है। आपका लेवल क्या है, तो आप मेरा जो लेवल अभी यहाँ पे शो हो रहा है वो है बिगिनर्स का। उसके बाद आपने कितने पोस्ट किए हैं, लाइक्स कितने हैं, व्यूज़ कितने हैं, शेयर्स कितने हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिएगा एक सेटिंग का ऑप्शन दिखता है। सेटिंग में आप जाओगे तो आपका पूरा प्रोफाइल का सेटिंग यहाँ पर दिख जाता है फ्रेंड्स। यहाँ से आप सारा कुछ चेंज कर सकते हो फ्रेंड्स। वहाँ पर अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पर आप 7 लैंग्वेज में आर्टिकल लिख सकते हो, 7 लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप आर्टिकल लिख सकते हो।
एक सबसे पहले है हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद मराठी और बाकी सारे और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं। अभी तक 7 लैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल है, इन फ्यूचर में ये बढ़ भी सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो फ्रेंड्स, आप जो सभी लैंग्वेज प्रिफेयर करते हो वहाँ पर चूज़ करके आप आर्टिकल यहाँ से लिख सकते हो फ्रेंड्स। इस सारा कुछ यहाँ पे सेटिंग दिया हुआ है, आप एक एक चीज़ें अगर करोगे तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। अगर आप कमेंट में लिखते हो तो मैं इस पर भी सेपरेट वीडियो बना करके आपको दे दूंगा फ्रेंड्स। अब पीछे चलते हैं, पीछे जाने के बाद आपको यहाँ पे होम पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे अदर्स जो भी लोगों ने लिख के रखा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। और नीचे में देखिए कि 5 ऑप्शन का बीच में आपको एक पेन का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आपको उस पर टैप कर देना है। अभी यहाँ पे टैप करने के बाद यहाँ पे देखिएगा ऊपर में टाइटल का एक जगह दिया हुआ है, तो टाइटल आपको लिखना क्या है, मिनिमम 6 कैरेक्टर्स, मिनिमम 6 वर्ड में ही कैरेक्टर लिखना है मिनिमम। मैक्सिमम का कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है, मैक्सिमम बड़ा लिख सकते हो लेकिन 6 वर्ड से नीचे का आप मत लिखिएगा, नहीं तो ये लेगा नहीं फिर। ठीक है, अब नीचे आते हैं कॉन्टेंट की तरफ। तो कॉन्टेंट में आपको यहाँ पर अप टू 600 वर्ड्स, 600 से ऊपर के आपको लिखने हैं फ्रेंड्स, 600 वर्ड्स के आपको ऊपर के यहाँ पर आर्टिकल लिखने हैं। तो चलिए मैं इसको आज लिख के बताऊंगा मैं आपको। तो मैंने लिख रखा है पहले से, तो मैं वहाँ से सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आगे आपको क्या क्या करनी है। तो मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल लिख रखा है एयरटेल भाया जियो के ऊपर में, तो यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर इस आर्टिकल का जो टाइटल है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से ला करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे आर्टिकल का टाइटल जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब नीचे कंटेंट की बात आती है, तो कंटेंट में मैं यहाँ से ये नीचे का जो कंटेंट सारा है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंटेंट को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पर इसको कंटेंट की जगह पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे आर्टिकल का जो है हेडिंग भी लिख दिया हूँ और यहाँ पे नीचे कंटेंट भी लिख दिया हूँ। एक्चुअली अभी ये 300 वर्ड का नहीं है तो इसको 300 वर्ड करना होगा, नहीं तो ये जो है लेगा नहीं फ्रेंड्स। उसके बाद बात आती है फ्रेंड्स कि अगर आपने आर्टिकल लिख लिया है तो इसमें इमेज ऐड कैसे करें, क्योंकि आर्टिकल को इमेज ऐड करने से और भी अट्रैक्टिव हो जाता है फ्रेंड्स। तो इमेज ऐड करने के लिए आप यहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स कि नीचे में जो आपको फुटर बार बनता है, फुटर में आपको देखिएगा टेक्स्ट का भी, बोल्ड टेक्स्ट, इटैलिक टेक्स्ट एंड अंडरलाइन टेक्स्ट का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे बगल में देखिएगा आपको एक इमेज का भी ऑप्शन दे रहा है, तो सिंपली आपको इस इमेज पर टैप कर देना है। अब जैसे इमेज पर टैप करोगे तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप इमेज डाल सकते हो। तो मैं यहाँ से एक इमेज चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा देखिएगा इस आर्टिकल से रिलेवेंट एक इमेज यहाँ पे शो हो गया है और मैंने ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, अब उस इमेज से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्रेडिट अगर देना चाहते हो कि आपने ये इमेज कहाँ से लिया है, तो यहाँ पे क्रेडिट सेक्शन में आप इमेज का क्रेडिट दे सकते हो फ्रेंड्स। तो एक इमेज मैंने यहाँ पे लिख अपलोड कर दिया है, उसके बाद नीचे में कॉन्टेंट है, यहाँ पर इस आर्टिकल के साथ एक इमेज और है फ्रेंड्स। तो सिंपली आपको कर्सर को ला करके यहाँ पे जहाँ पे इमेज आपको ऐड करना है वहाँ पे कर्सर ला कर रख देना है, उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे इमेज पे क्लिक करना है, उसके बाद दूसरा इमेज पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है हमारा दूसरा इमेज भी यहाँ पे ऐड हो गया फ्रेंड्स। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हमने आर्टिकल तो सारा कुछ लिख लिया है फ्रेंड्स, उसके बाद अब करना क्या है आपको, आर्टिकल लिख लिया आपने, इमेज भी आपसे उससे मिलता जुलता उससे संबंधित जो भी इमेज है आपने ऐड कर दिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे अगर आपको शेड्यूल करना है तो सेव ड्राफ्ट करके आप शेड्यूल कर सकते हो, और नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, तो नेक्स्ट पे मैंने जब क्लिक किया तो यहाँ पे मैसेज आया फ्रेंड्स कि आपका जो आर्टिकल है वो 300 वर्ड का ऊपर का नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे और बढ़ा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये आर्टिकल मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब ये 300 वर्ड का ऊपर का हुआ तो ये अगला प्रोसेस हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से
आप जब लिखने जाओगे तो लिखने के बाद जब आप नेक्स्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अगला जो इंटरफेस मिलेगा वो मिलेगा इस तरह का, आपको दिख रहा होगा बगल के स्क्रीन में। अब यहाँ पे देखिएगा शेड्यूल पोस्ट का यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप शेड्यूल पोस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको टाइम डेट और मंथ मेंशन कर देना है और सेव कर देना है। और अगर आप तुरंत आप पब्लिश करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देना है। और पब्लिश करने से पहले अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हो तो प्रीव्यू पे क्लिक करके आप अपना प्रीव्यू देख सकते हो कि आपने कैसे लिखा है और वो वी मीडिया प्लेटफॉर्म पे रोज बज जो एप्लीकेशन है उस पर कैसा शो होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे अभी प्रीव्यू को कट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली पब्लिश करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो पब्लिश पे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, तो ये पब्लिश करने के बाद यहाँ पे देखिएगा पब्लिक हो गया, अवेटिंग अप्रूवल का एक मैसेज आ गया है, पोस्ट सक्सेसफुली यहाँ पे शो हो गया है। अब यहाँ पे प्रो टिप्स यहाँ पे लिख रहा है कुछ जो रोजबज की तरफ से दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो ऑलरेडी यहाँ पर आपका जो पोस्ट है वो पब्लिश हो चुका है फ्रेंड्स। अब ये जो है रोजबज जो है वो आपके आर्टिकल को अप्रूवल देगा, उसके लिए वो अभी वहाँ पे उन लोग देखेंगे, उसके बाद वहाँ पे अप्रूवल दे देंगे, फिर वो आपको पब्लिश कर देंगे फ्रेंड्स। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर आर्टिकल लिख सकते हो फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे प्रोफाइल में आते हो फ्रेंड्स तो यहाँ पे एक आर्टिकल आपने पोस्ट किया है यहाँ पर आपको सिंपल दिखेगा, दिख रहा होगा फ्रेंड्स, जो कि अभी वी मीडिया की तरफ से चेकिंग में है, इसको अप्रूवल के लिए अभी वो वेटिंग में है फ्रेंड्स। जब वो रोजबज टीम जो है इसको अप्रूव कर देंगे तो ये आपका पब्लिश हो जाएगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों इस तरह से आप वी मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो, वहाँ पे आर्टिकल लिख सकते हो और इमेज ऐड कर सकते हो। आई होप आपके सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में मिल गया होगा। तो इसी तरह से आप मुझसे जुड़े रहिएगा और इन फ्यूचर में भी इस तरह के अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कमेंट। तो इस वीडियो को दबा करके शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।